क्वालिटी इज नथिंग, जस्ट अ वन थिंग जो आपको भीड़ से अलग करती है। सीरियसली बता रहा हूँ, इफ यू हैव क्वालिटी, इफ यू हैव दिस वन थिंग ना, आप ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग हो जाओगे। सो आई होप यू गॉट द आंसर। कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, आइडेंटिफाई तो नीड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उससे बात करो ना, उसको बात करते ही लग जाएगा पता कि आपको उसकी उसकी क्या नीड है। बाकी तीन चीज़ों में हमेशा होता है, हाँ, ना या कन्फ्यूजन। पहले आप स्टेज जानो वो कौन से स्टेज में भी अवेलेबल। हाँ, ये तो सबकी प्रॉब्लम है यार, हर किसी की प्रॉब्लम होती है, कभी ना कभी मैंशियस हो ही जाते हैं। बट इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, बी इन एक्शन मोड, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहो, खाली मत बैठने दो अपने आप को। अगर खाली बैठोगे तो वापस चिंता में आ जाओगे आप। नो डाउट अ बिजनेस विच गिव्स यू पैसिव इनकम, एक ऐसा बिजनेस भी नहीं करना जिसमें एक्टिव इनकम ही आ रही हो, थोड़ा सा पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के सामने आते रहो बस, और क्योंकि लोग इसलिए बैठे हैं कि वो इसलिए बैठे हैं कि देखने के लिए कि आप कब छोड़ने वाले हो, तो आपको नहीं छोड़ना है, लगे रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए बस। अरे यार, मैं कोई हीरो वीरो बिल्कुल नहीं हूँ यार मैं कोई हीरो वीरो नहीं बना यहाँ पे, बस ये है कि हाँ, मैंने स्किल्स अच्छी ग्रैब करी हैं और अच्छे से इस इंडस्ट्री को समझा है, डीप डाउन इसकी नॉलेज है मुझे, और वही नॉलेज शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं कोई हीरो नहीं। मेरी खुद की टीम है TLF, द लीडरशिप फैक्ट्री, जिसकी टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग फॉलोअर्स इंटू लीडर्स। मैं नहीं चाहता हर कोई फॉलो ही करता रहे, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लीडर जनरेट करने के लिए। कितनी PPTs कराऊँ, मतलब क्या बोल रहे हो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशंस तो यार ऐसा तो कोई फैक्ट नहीं है कि कितनी लीड्स चाहिए आपको, कितने प्रेजेंटेशंस में हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर्स मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं। बिजनेस पार्टनर अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो सबकी प्रॉब्लम है यार, हर किसी की प्रॉब्लम होती है, कभी ना कभी मैनशियस हो ही जाते हैं। बट इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, बी इन एक्शन मोड, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहो, खाली मत बैठने दो अपने आपको। अगर खाली बैठोगे तो वापस चिंता में आ जाओगे आप।